नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देश भर के आईआईटी में दाखिल लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम जेई एडवांस 2021 का रिजल्ट आज घोषित हो गया है, जिसमें करीब 41,862 छात्राएं जो है वो सफल हुई हैं, जिसमें पहला स्थान दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल जो है उन्होंने हासिल किया है लड़कों में। और लड़कियों की बात करें, लड़कियों में दिल्ली जोन की ही काव्या जो चोपड़ा है उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। जी हम आपको बता दें कि आज जेई एडवांस का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिस परीक्षा में कुल 41,862 छात्राओं को पास किया गया। जेई एडवांस के पेपर एक और पेपर दो दोनों परीक्षाओं में कुल 141,699 छात्राओं ने हिस्सा लिया था। कुल पास हुए जो अभ्यर्थी हैं 41,862 में से 6,452 लड़कियां हैं। यानी एक बार फिर से एडवांस की परीक्षा में भी अभ्यर्थियों में करीब 15% जो लड़कियां हैं वो शामिल हुई हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें, जेई एडवांस की परीक्षा में लड़का और लड़कियां दोनों वर्ग में आईआईटी दिल्ली रीजन के अभ्यर्थियों ने टॉप किया है। आईआईटी दिल्ली रीजन के मृदुल अग्रवाल जो है उन्होंने पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि उन्होंने केवल टॉप ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने अच्छा मार्क्स भी हासिल किया है। उन्हें बेहतरीन स्कोर मिला है, जो कि इतिहास रच दिया है। परीक्षा में 360 में से 348 अंकों के साथ मृदुल ने 96.66% अंकों के साथ टॉप किया है। ये 2011 के बाद जेई एडवांस परीक्षा में किसी छात्र द्वारा बनाए गए हाईएस्ट स्कोर है। पिछले एक दशक में उच्चतम स्कोर जो है 96% रहा है। अब साल 2012 में टॉपर में कुल 401 में से 385 स्कोर किया था। वहीं 2020 में जेई एडवांस परीक्षा 396 अंकों की थी और उच्चतम अंक 352 अंक थे, जो कि लगभग 88.88% रहा है। मैं आपको बता दें कि मृदुल जो है वो जेई मेन 2021 की परीक्षा में भी टॉप किया था। उन्होंने सत्र एक और सत्र दो में 300 अंकों के साथ 100% हासिल किया था। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेई मेन्स में आईआईटी दिल्ली की जो काव्या चोपड़ा है उन्होंने भी पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने 360 में से 286 अंक जो है उन्हें मिले हैं। और इस तरीके से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सा रैंक जो है वो दिख रहा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जेई मेन में बेहतर स्कोर करने वाले सफल अभ्यर्थियों में 2.5 लाख छात्राओं को जेई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। JOSAA के तहत रजिस्ट्रेशन व च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होगी। पहला मॉक सीट आवंटन जो है वो 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से जारी होगा। दूसरे सीट आवंटन की लिस्ट 24 अक्टूबर को जारी होगा। इसी के साथ सीट आवंटन का पहला राउंड 27 अक्टूबर सुबह 10 बजे से शुरू होगा और 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग फीस पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पांस की गतिविधियां चलती रहेगी। तो इस तरीके से आईआईटी जेई एडवांस की जो रिजल्ट है वो आज घोषित हो गया है 2021 का, जिसमें कि दिल्ली जोन के ही मृदुल जो है वो पहला स्थान हासिल किया। उन्हें रैंक भी काफ़ी अच्छा, उनको स्कोर भी हासिल हुआ है। इसी के साथ लड़कियों में दिल्ली जोन की काव्या चोपड़ा जो है उन्होंने भी पहला स्थान हासिल किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।